नमो नमः। अद्य वयं कक्षा नवमी तृतीय पाठ गोदोहनम अध्ययनं करिष्यामः। एतत् नाट्यांशः चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् समक्षिप्ये संपादे च उद्धृतम्। एतत् नाट्यांश, यह नाटक का अंश चतुर्व्यूह इति ऐसे पुस्तकात् पुस्तक से संक्षिप्त करके संपादित किया गया है, लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् जनस्य कथानकम् अस्ति, ऐसे आदमी की कथा का कथा है यह, जो धनवान बनना चाहता है, धनवान बनने की इच्छा करता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहना देव, एक महीने तक गाय का दूध दोहने से रोकता है। विरमति, विरमति का मतलब होता है रोकता है। ये न मासांते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वारम विक्रिय संपत्ति अर्जितुम समर्थ। जो मास के अंत में धेनों गाय के शरीर से संचित इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध एक बार में ही विक्रिय बेच करके संपत्ति अर्जितुम कमाने के लिए, संपत्ति कमाने के लिए समर्थ होना चाहता है, भवेत हो। परम मासांते यदा, परंतु मास के अंत में यदा, जब वह दुग्ध दोहना है, दूध दोहने का प्रयत्न करता है, प्रयतते तदा, तब वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, एक बिंदु यानी कि एक बूंद भी दूध प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थान है, दूध के प्राप्ति के स्थान पर सदेनो वह गाय की प्रहारे, गाय की प्रहार से रक्त रंजितम खून से सन जाता है, अवगच्छति और समझ जाता है कि दैनंद नम कार्यम यति मास पर्यंतम, यदि दैनिक कार्य जो है मास पर्यंतम एक महीने तक इकट्ठे किए जाते हैं, तदा तो लाभस्य स्थान है, तो लाभ के स्थान पर हानि रेव होती, हानि ही होती है। प्रथमम दृश्यम, प्रथम दृश्य मल्लिका, मल्लिका जो है उस व्यक्ति की पत्नी रहती है, वो दिखाई देती है कि मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानी, मल्लिका मोदकानी लड्डुओं को रचयंती बनाती हुई मंद स्वरेण, मंद स्वर से इस शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। तत प्रवेशति, तब प्रवेश करता है मोदक गंधम, मोदक गंधम लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन, चंदन जो है मल्लिका का पति होता है, उसका नाम चंदन है। चंदन कहता है हा हा आहा सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तु मनोहर बहुत ही अच्छी है, विलोक के देख करके है। अरे मोदकानी, अरे मोदकानी रचयंते, लड्डू बनाए जा रहे हैं, हे मोदकानी रचयंते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न है भूत्वा, प्रसन्न होकर के, प्रसन्न होकर के आस्वादयामि तावत, चखता हूँ तावत, तब तो चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक लड्डू लेने की इच्छा करता है मल्लिका। स्वक्रोधम, क्रोध से विरम विरम, रुको रुको, मा स्पृश मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन कहता है किमर्थम क्रुद्धयसि, किस लिए क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानी मोदकानी, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को दृष्टवा देख करके, दृष्ट धातु अहम मैं देख करके, मैं जीवा लोलुप ताम, जीव के लालच को नियंत्रितुम नियंत्रित करने में अक्षम अस्मि असमर्थ हूँ, अक्षम अस्मि असमर्थ हूँ। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, त्वमिदम तो क्या तुम नहीं जानती हो। मल्लिका गति सम्यक जानासी नाथ, ठीक प्रकार से जानती हूँ नाथ। परम
परंतु एतानि मोदकानि ये लड्डू पूजा निमित्तानि संति पूजा के निमित्त हैं, पूजा के लिए बनाए हैं। इसलिए चंदन कहता है तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपादे, शीघ्र ही पूजन यानी कि पूजा संपादित करो, पूरी करो। प्रसादम च देही और प्रसाद दो। मल्लिका कहती भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी, मैं अपनी सखियों के साथ, मैं अपनी सहेलियों के साथ जो है स्व प्रातः, स्व आने वाला कल और हये बीता हुआ कल, स्व का मतलब होता है जो आने वाला कल है उसका मतलब होता है स्व आने वाला कल, प्रातः प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर को प्रति गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्याम, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा वयम करिष्याम, हम सब करेंगे। चंदन कहता है सखी भी सखियों के साथ, सखी भी सर सखियों के साथ, न मया सर मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति दुख करता है, दुख प्रकट करता है। मल्लिका कहती आम, हाँ आम का मतलब होता है हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला दया और कपिला सर्वा सभी गच्छन्ति जा रही हैं, अतः इसलिए मया सह मेरे साथ तव आगमनस्य, मेरे साथ तुम्हारे जाने का औचित्य नास्ति, औचित्य नहीं है। क्या नहीं है? औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहन्ते, हम सब सप्ताह के अंत में प्रतिगमिष्याम प्रत्यागमिष्याम, यहाँ पर यण संधि हो रही है प्रत्यागमिष्याम प्रति आगमिष्याम लौटेंगे, प्रति आगमिष्याम का मतलब होता है लौटेंगे। वयम हम सब सप्ताह के अंत में लौटे हैं, लौटेंगे। इसलिए जो है व्यवस्था व्यवस्था धेनो गाय की, दूध दोहन दूध दोहने की व्यवस्था, परिपाले पालन करो, क्या करो पालन करो।